समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होगा महान दल। महान दल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने फैसला लिया है, सपा गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया है। एमएलसी की सीट ना मिलने से नाराज हैं केशवदेव मौर्य। विधानसभा चुनाव में महान दल को दो सीटें मिली थी, सपा गठबंधन के तौर पर महान दल को दो सीटें मिली थी। फर्रुखाबाद सदर और बदायूं की बिल्ली सीट मिली थी, ये दोनों सीटें हार गई थी महान दल। सपा के सिंबल पर महान दल के दो प्रत्याशी भी चुनाव लड़े थे, लेकिन अब एमएलसी का उम्मीदवार न बनाए जाने पर नाराज बताए जा रहे हैं केशवदेव मौर्य। समाजवादी पार्टी गठबंधन में गहरी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष भी अब अखिलेश यादव से नाता तोड़ने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं। कि सर, एक दौर वो रहा जब आप लगातार कह रहे थे, लगातार आपका नारा भी था कि महान दल ने ठाना है समाजवादी सरकार लाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और अचानक से आप राहें जुदा कर रहे हैं, नाराजगी की वजह क्या? देखिए, अचानक से कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी गठबंधन में मुझे शुरू से ही सबसे अलग थलग रखा गया। जिस तरह जयंत जी को तवज्जो दी गई, उनकी रैलियां कराई गई, उनके साथ रथ यात्रा की गई, जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी को सम्मान दिया गया, जिस तरह इन सबको सीटें दी गई, कृष्णा पटेल तक सबको सीटें दी गई, मुझे नहीं दी गई। मैंने हमेशा आँख बंद करके समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव जी का समर्थन किया, केवल इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता था। लेकिन अपमान पर अपमान, मुझे याद है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ज्वाइन किए जब भारतीय जनता पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी में भाजपा से आके, उस समय क्या मुझे नहीं बुलाया जा सकता? पूरे प्रदेश के मौर्य समाज के लीडर अखिलेश जी के साथ थे, तो मैं भी तो गठबंधन में था। क्या मुझे बुलाया जाता तो अपमान हो जाता अखिलेश यादव जी का या स्वामी जी का? मुझे भी तो बुलाया जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। चुनाव के बाद सबको बुलाया गया। क्या माना जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य को केशव देव मौर्य से ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, ये वजह है नाराज़गी? बिल्कुल मिल रही है। चुनाव में जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभाओं में महान दल का मजबूत संगठन था, वहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से रैली कराई गई और केशव देव मौर्य को अलग थलग रखा गया। मुझे केशवदेव मौर्य का बयान आपने देखा, उनकी नाराजगी भी आपने समझी होगी। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अपने इंतजामों को और पुख्ता करती जा रही है। सद्भावना चौकी के पास 5 ड्रोन लगाए गए, इन्हें दादा मियां चौराहा, रूपम चौराहा, तलाक महल समेत अन्य जगहों पर लगाया जाएगा। एक ड्रोन से 8 किलोमीटर के एरिया को कवर किया जाएगा। कानपुर की नई सड़क में 3 जून को उपद्रव हुआ था, हिंसा हुई थी और इसकी निगरानी लगातार की जा रही है। अब कानपुर पुलिस ड्रोन से इसकी निगरानी कर रही है। आपको दिखाएं तस्वीर, इसी नई सड़क पर बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुए थे, पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग और बमबाजी भी हुई थी। तमाम अवैध इमारतें हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतों से पत्थर फेंके गए थे, और उन ऊंची इमारतों पर अब निगरानी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ड्रोन को संचालित कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम। सत्यम, ये जो ड्रोन है क्या, किस लिए लाए आप? मेन हम लोग यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रखा था बीते कुछ दिनों में, तो उसको यहाँ लोकल पुलिस ने हम लोग को बोला कि इसको कवर करने के लिए, तो बस हम लोग, हमारी टीम आई यहाँ पे कवर करने के लिए। क्या कवर होगा, जो कैमरा लगाया कितना देखेगा? मेन कैमरे की तो कोई रेंज नहीं, आप इसको जहाँ तक ले जा सकते हो, पर ये है कि हाँ, हेड टू हेड आपको जितना भी यहाँ का लोकल एरिया है वो पूरा दिख जाएगा। कितने किलोमीटर का रेंज कर लेगा कवर मेन? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।